नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इक्वल एग्जाम पर। चलिए आज अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें हमने वैदिक सिविलाइजेशन को पूरा फिनिश कर लिया था। उसके आगे आज हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, यानी कि रिलीजियस मोमेंट इन एंशियंट इंडिया, जितने सारे हुए हैं हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अपना आज का कि जो ये धार्मिक आंदोलन हुए हैं, तो इनका कारण क्या रहा, कि ये जो धार्मिक आंदोलन हुए इनका मेन कारण क्या रहा, आखिर क्यों ये धार्मिक आंदोलन हुए, और वैदिक सिविलाइजेशन के बाद इनके कारण देख लेंगे हम, और इसके बाद प्रमुख धार्मिक आंदोलन यानी कि उनके कारण देखेंगे, फिर जितने प्रमुख धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला ये हुआ आपका जैन धर्म, दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, फिर संप्रदाय कुछ पढ़ लेंगे, इसके बाद शैव धर्म को हम कवर करेंगे, पांचवा आपका शाक्त धर्म आ जाएगा, और फिर इसके बाद छह नंबर पे वैष्णव धर्म या जिसको भागवत धर्म भी कहते हैं हम इसको कवर करेंगे। फिर है आपका अन्य धर्मों से कुछ संबंधित तथ्य देखेंगे, जिसमें से हम इस्लाम धर्म को कवर करेंगे, ईसाई धर्म को कवर करेंगे और पारसी धर्म को कवर करेंगे। तो ये इतना टॉपिक रहेगा हमारा वैदिक सिविलाइजेशन के बाद जो कि हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसमें लिखा गया है आपका कि जो धार्मिक आंदोलन के कारण रहे हैं, कि आखिर धार्मिक आंदोलन ये जो हुए इनका कारण क्या रहा, तो जैसे जो सबसे पहला लिखा हुआ है वैदिक धर्म की जटिलता, ये सारे क्वेश्चन जो आपके आते हैं तो ये आपके यूपी पीसीएस का जो क्वेश्चन होता है, यूपी पीसीएस मेंस, उसके लायक के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर सीधे सीधे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जैन धर्म रहेगा और बौद्ध धर्म रहेगा, तो यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम पूरा कवर कर रहे हैं ताकि पीसीएस तो कवर हो जाए, हमारे जितना भी जीएस पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में ये सारा कवर होना चाहिए। तो इसके लिए ये सबसे पहला है वैदिक धर्म की जटिलता। कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये हमें सोचना चाहिए कि वो आखिर आई क्यों। तो ये जैसे हम पढ़ रहे हैं कि धार्मिक आंदोलन, तो इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा था और उसको डिटेल में पढ़ा था कि उसके क्या कारण रहे वैदिक सभ्यता के। इसी तरह से ये जो आपके आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं हम, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि इसके कारण क्या रहे, आखिर उत्पत्ति इसकी क्यों हुई। तो सबसे पहला कारण होता है वैदिक धर्म की जटिलता। जो वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें जब हमने पढ़ा था आपका ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल में तो ठीक था कि वहाँ पर जो कर्मकांड नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा कर्मकांड नहीं होते थे, और समाज जो था वो एक सरल व्यवस्था में चल रहा था। लेकिन जैसे हम उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो कर्मकांड होते हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कर्मकांडों की महत्ता वहाँ पर बढ़ जाती है, और जितने सारे धर्म होते हैं उनकी जटिलता भी बढ़ती जाती है। सिर्फ दो जो वर्ग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण वर्ग होता है, और क्षत्रिय होते हैं, इन दोनों का वर्चस्व रहता है, सबसे ज्यादा तो ब्राह्मण का रहता है धर्मों पर। तो इसलिए सबसे पहला कारण यही रहा कि जो वैदिक धर्मों की जटिलता कारण प्रमुख रहा, एक योगदान रहा कि ये धार्मिक आंदोलनों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद दूसरा आता है जाति प्रथा का, यानी कि जाति प्रथा की जटिलता। जाति प्रथा में क्या है कि हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में क्या था कि जो जाति प्रथा थी, जब हम दसवां मंडल पढ़ रहे थे, पुरुष सूक्त मंडल हमने पढ़ा था, और समाज को चार वर्णों में विभक्त किया था। तो जो ऋग वैदिक काल था वहां पर जो समाज था आपका, वो आपका कर्म पे आधारित था। किस पे आधारित था, वहां पे कर्म पे आधारित था। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको समझाना है। यानी कि जो ऋग वैदिक काल आपका हमने पढ़ा था, ऋग वैदिक काल में जो हमने पुरुष सूक्त मंडल पढ़ा था, दसवां मंडल जो हमने पढ़ा था, उसमें जो समाज चार वर्णों में विभक्त था, तो वो जो है कर्म के आधार पे था, यानी कि कर्मों के आधार पे विभक्त था, कर्मों के आधार पे। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा कि जो ये वर्ग था, चार वर्गों में जो समाज विभक्त था, यही वर्ग
कर्म के आधार पे ना हो करके उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पे होता है। समझ में आ रहा है ना इसको, ये जन्म के आधार पे हो जाता है, जन्म के आधार पे। तो जब जन्म के आधार पे हो जाता है तो इस तरह से एक ये जाति प्रथा की जटिलता आ गई। क्यों? क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा योग मतलब जो वर्चस्व हुआ वो ब्राह्मण का हुआ, फिर क्षत्रिय का हुआ, फिर इसके बाद वैश्य आते थे। इन तीनों में एक समानता थी जिसको मैंने द्विज नाम से बताया था। द्विज में ये तीनों आते थे और इनको उपनयन संस्कार करने की क्या होती थी, छूट थी, यानी ये तीन लोग कर सकते थे। लेकिन जो आपके शूद्र थे, शूद्र ये सबसे नीच व्यक्ति समझे जाते थे। तो यहां से दूसरा प्रमुख कारण रहा हमारा कि जाति धर्म की जटिलता। तो ये दूसरा प्रमुख कारण है हमारे धार्मिक आंदोलन जो हुए उनके उत्पत्ति में। तीसरा जो आपका लिखा हुआ है वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, समझ में आ रहा होगा ये जो हम बता रहे हैं। जो तीसरा कारण आपके पास लिखा हुआ है ये है आपका वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा यानी कि जो वैदिक ग्रंथ थे, तो हम जानते हैं कि जितने सारे कर्म कांड होते थे वो ब्राह्मण वर्ग कराता था। क्यों कराता था? क्योंकि जितने सारे ये वैदिक ग्रंथ थे वो सब के सब एक संस्कृत भाषा में थे। कैसे थे? संस्कृत भाषा में थे। और एक ये ऐसी भाषा थी जिसको सभी लोग नहीं पढ़ सकते थे, जो ब्राह्मण वर्ग इसको बता देता था कि इन वैदिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, समाज उसी को मानता था। क्यों? क्योंकि जो ये भाषा थी संस्कृत, इसको सब लोग तो ना तो समझ सकते थे ना तो पढ़ सकते थे। तो ये कारण रहा, क्योंकि तभी हम देखेंगे कि जो जैन धर्म आएगा तो उसमें जो भाषा रहेगी वो सामान्य लोगों की भाषा रखी जाएगी, प्राकृत भाषा रखी जाएगी, या फिर उसको अर्ध मगधी रखी जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि आखिर क्यों हुआ ये तीसरा धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। चौथा जो कारण लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, वन लाइनर में भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि उत्तर पूर्व भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, उत्तर पूर्व भारत में, मैं बता रहा हूं उत्तर पूर्व भारत में जो कृषि व्यवस्था का जो विकास हुआ, ये धार्मिक आंदोलन की शुरुआत का एक मुख्य कारण था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर पूर्व भारत में नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का होना इसका मुख्य कारण था, धार्मिक आंदोलन के उत्पत्ति का मुख्य कारण था। इसके बाद देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास होने के लिए जो वहां पे खेती होती थी वो पशुओं पे आधारित होती थी, क्योंकि हल चलाने के लिए हमें बैलों की आवश्यकता होती थी। और उत्तर वैदिक काल में इतने ज्यादा कर्म कांड बढ़ गए थे, पशु बलि भी बढ़ गई थी, और जितने जानवर होते थे वो सब मारे काटे जा रहे थे। तो इसके लिए बहुत सारे जानवर क्या हो गए थे, कम हो गए थे। और अगर हमको कृषि का विकास करना था तो हमें एक ऐसी व्यवस्था तो बनानी ही चाहिए जहां पर हम पशु हत्या को रोक सकें, यानी कि पशु बलि को क्या कर सकें, हम रोक सकें, पशु बलि जो दी जाती थी उसको रोक सकें। तो इसके लिए हमें एक व्यवस्था बनानी थी। तो अगर कृषि का विकास करना था तो पशु बलि की हत्या को हमें रोकना था, इसीलिए ये इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। और यहाँ तक कि SSC ने भी एक बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है अपने एग्जाम में। बाकी तो ये आपके PCS मेंस लेवल का है। और हमें ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि हमारे मन में एक वैक्यूम क्रिएट होगा, जानने की इच्छा होगी, तभी वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो पाएंगी, हमारे मन में रह पाएंगी,
फिर हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी और परीक्षा में उसको लिख भी आएंगे, क्योंकि पढ़ते तो बहुत कुछ हैं, फिर ऐसा होता है कि पढ़े बहुत कुछ लेकिन एग्जाम में आया तो याद नहीं रहा। तो जब इस तरह से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाइज तो हमें ध्यान रहेगा चीजें क्या हैं। तो ये आपका मुख्य कारण रहा नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद है वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। कैसे वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि, इसमें क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें हम? तो जो वैश्य वर्ग था ये मुख्यतः क्या करता था, कृषि करता था, क्या करता था, कृषि करता था, व्यापार करता था। और यही जो वैश्य वर्ग था उत्तर वैदिक काल में यही टैक्स को पे करता था, मेन टैक्स को यही पे करता था, टैक्स यही पे करता था उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो वैश्य वर्ग हुआ इसके महत्व में वृद्धि कैसे होने लगी, क्योंकि व्यापार क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा। और ये जो अपना उत्तर वैदिक काल में था तो इसमें जो ब्राह्मण ये बताते थे कि आप पैसा नहीं ले सकते, यानी किसी को पैसा उधार नहीं दे सकते, सूदखोर जिसको कहते हैं कि आप पैसा दें फिर उससे ब्याज लें और फिर उस पैसे से करें, लेकिन अगर जिसको व्यापार करना है तो ये काम तो उसको करना ही था। तो इसलिए वैश्य वर्ग के महत्व में क्या होने लगी, धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, यानी कि ये लोग क्या करने लगे, ये लोग ये सोचने लगे कि हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कोई ये ना कहे कि हमें सूद नहीं खाना चाहिए, यानी कि ब्याज नहीं खाना चाहिए। तो ये लोग सब अपने चक्कर में थे कि इसीलिए इनके महत्व में क्या होने लगी, धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। तो ये हो गया आपका वैश्य वर्ग में महत्व। फिर था अनुकूल राजनीतिक दशा, यानी किसी भी व्यवस्था को समाज में उत्पन्न होने के लिए एक मेन कॉन्सेप्ट ये भी काम करता है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए आज के समय में कुछ परिवर्तन करना होता है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है बिना इसके, कि अगर राजनीतिक दशा अनुकूल नहीं है और कुछ भी व्यवस्था नहीं लेकर के आनी है तो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक दशा अनुकूल हो जाए और राजनीति भी चाहने लगे कि नहीं समाज में परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या होगा, बहुत आसानी से चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उस समय सबसे जो सर्वाधिक शक्तिशाली एक राज्य था जिसका नाम क्या था, मगध। क्या नाम था, मगध। मगध यहाँ का जो राजा हुआ है, यहाँ का जो राजा हुआ है बिंबिसार और अजातशत्रु, मगध जो है यहाँ के जो राजा हुए हैं बिंबिसार और अजातशत्रु, ये ऐसे राजा थे जो ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, जो ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, ये बिंबिसार भी और अजातशत्रु भी। तो ये लोग भी क्या किए, प्रमोट किए कि हाँ एक नई व्यवस्था समाज में आनी चाहिए। तो ये कुछ रीजन थे जिसमें से कृषि वाला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आपका नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था उत्तर पूर्व भारत में, ये आपको मेन याद रखना है। तो ये सारे कारण हुए कि आखिर जो ये नए धार्मिक आंदोलन हुए तो उनके कारण क्या रहे, इन सबको कायदे से दोबारा बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। पहला हुआ वैदिक धर्म की जटिलता, पहला क्या हुआ, वैदिक धर्म की जटिलता। दूसरा हुआ जाति प्रथा की जटिलता। तीसरा हुआ वैदिक भाषा की जो कठिन भाषा, और चौथा हो गया नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, पांचवा हो गया वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि और अनुकूल राजनीतिक दशा। इसके आगे हम बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे हम, जैन धर्म। हमने देख लिया कि आखिर कोई धर्म आया तो क्यों आया, इसके आगे देखते हैं हम जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे अब, जैन धर्म।
हमने देखा था कि जो वैदिक धर्म था उसके कारण समाज में वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ था और कर्म कांडों ने अपनी जगह समाज में बनाई हुई थी। यानी कि जो वैदिक धर्म था उसने समाज में वर्ण व्यवस्था का बनाया, यानी वर्ण व्यवस्था बनाई और समाज में कर्म कांड बढ़ गए। ये काम था वैदिक धर्म का, उत्तर वैदिक काल में ज्यादा बढ़े हुए थे। वहीं जो हम पढ़ेंगे ये जैन धर्म बौद्ध धर्म जितना मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज में जो ये फैला हुआ था भौतिकवादी रवैया, क्या भौतिकवादी, जो मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं भौतिकवादी, तो ये जो भौतिकवादी व्यवस्था थी, रवैया था, इसको मानवीय परेशानियों का कारण बताया जैन धर्म ने। जैन धर्म ने बताया कि ये जो भौतिकवादी रवैया है, भौतिकवादी जो व्यवस्था है, यही एक दुख का कारण है। क्योंकि जो जैन धर्म है ये बताता है कि संसार में दुख है और उस दुख का कारण है तृष्णा। अभी हम पढ़ेंगे इसको, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ये आपका जैन धर्म है इसको हम पढ़ते हैं। तो जो जैन धर्म आपका है तो यहां से एक चीज निकल के आती है, सबसे पहले जो छोटे मोटे एग्जाम में बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैन जो धर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो जैन का मतलब होता है विजेता। क्या होता है? जैन का मतलब क्या होता है? विजेता, विजेता। जैन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है, विजेता। यानी कि जैन का मतलब आपका विजेता होता है। और यहीं से एक शब्द निकल के आया है जिन। क्या निकल के आया है? जिन। एक शब्द निकल के आया है जिन, और जिन का मतलब होता है जीतने वाला, जीतने वाला। जिन का मतलब क्या होता है? जीतने वाला। तो क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आया हुआ है कि जैन धर्म का मतलब, जैन का मतलब क्या होता है? जैन का मतलब होता है विजेता और जिन का मतलब होता है जीतने वाला। यानी कि जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है वो जिन कहलाता है। जिसने अपने ऊपर, अपने विचारों पर क्या कर लिया है? विजय प्राप्त कर ली है, उसको क्या बोलेंगे हम? जिन बोलेंगे। इसको आगे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे आता जाएगा। तो यहां से दो टर्म ये आपके हो गए। तीसरा टर्म क्या हो गया? ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अगर हम फाउंडर की बात करते हैं, किसकी बात करें? फाउंडर की बात करें कि जैन धर्म के फाउंडर कौन है। तो जैन धर्म के जो फाउंडर माने गए हैं ये ऋषभ देव माने गए हैं। कौन माना गया है? ऋषभ देव माने गए हैं। ऋषभ देव माने गए हैं जैन धर्म के फाउंडर। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म, रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म, जैनिज्म, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रियल फाउंडर ऑफ जैन, तो ये आएगा आपका जो रियल फाउंडर होंगे तो ये महावीर होंगे। कौन होंगे? महावीर, महावीर होंगे। यानी कि रियल फाउंडर ऑफ जैन महावीर होंगे। और अगर फाउंडर की बात आती है, अगर फाउंडर की बात आती है तो वो ऋषभ देव होंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम, इसमें ये देख लेंगे कि जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थांकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24 तीर्थांकर हुए हैं। तो सबसे पहला टर्म आया है तीर्थांकर। सॉरी, तीर्थांकर। तो तीर्थांकर कहते किसे हैं? तीर्थांकर कहते किसे हैं? तो जो मगधी भाषा में ज्ञान बांटता है उसको तीर्थांकर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? तीर्थांकर कहेंगे, जो मगधी भाषा में ज्ञान बांटता है। लिख देते हैं, जो
मगधी भाषा में ज्ञान बांटता है उसे कहते हैं तीर्थंकर। उसे क्या बोलते हैं? तीर्थंकर बोलते हैं। और टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें जो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म है महावीर वो हैं। और इसके सबसे पहले तीर्थंकर आपके हो जाएंगे जो फाउंडर मैंने बताया था ऋषभ देव, ऋषभ देव। अच्छा, ये कुल 24 हैं क्या तीर्थंकर? ये कहाँ पर मिलता है, ये लिखा हुआ कहाँ पर मिलता है कि जैन धर्म में, कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये कहाँ पर मिलता है? तो ये एक पुस्तक है कल्प सूत्र। क्या है? कल्प सूत्र। कल्प सूत्र ये पुस्तक है एक, कल्प सूत्र, जिसमें ये लिखा मिलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। और ये जो कल्प सूत्र है ये भद्रबाहु, भद्रबाहु, ये भद्रबाहु की एक पुस्तक है। कहीं कहीं बाहु भद्र भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर बाहु भद्र भी लिखा मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये पुस्तक कल्प सूत्र है, भद्रभाव की या बाहुभद्र दोनों आपको लिखे मिलेंगे। और उसी में ये बताया गया हुआ है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर आपके ऋषभ देव हैं और 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर जी हैं। इसके आगे देख लेते हैं, जो अब 24 तीर्थंकर हुए हैं तो 24 तीर्थंकर तो नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं और किनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके होंगे ऋषभ देव ही हो गए, सबसे पहले कौन हो गए? ऋषभ देव ही हो गए, ऋषभ देव। तो ये आपके कौन से हो गए? पहले नंबर के हो गए जिनको हमें पढ़ना है, ऋषभ देव। इसके बाद आते हैं कुंठुनाथ। क्या नाम है इनका? कुंठुनाथ। इनको पढ़ना है हमको, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। कुंठुनाथ जो कि 17 नंबर के हैं, किस नंबर के हैं? 17 नंबर के हैं, जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को देख लेंगे, कुंठुनाथ। इसके बाद जो तीसरा आएगा यहाँ आपके, वो मल्लिकानाथ या मल्लिनाथ, 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 या फिर बोले इनको मल्लिकानाथ। ये आपके 19वें नंबर के हैं, इनको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले ऋषभ देव को पढ़ेंगे, फिर कुंठुनाथ को पढ़ेंगे, फिर मल्लिका मल्लिकानाथ को पढ़ेंगे जो 19वें नंबर के हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके अरिष्ठनेमी, अरिष्ठनेमी, अरिष्ठनेमी को पढ़ेंगे। तो जो अरिष्ठनेमी है आपके, ये 22वें नंबर के हैं, किस नंबर के हैं? 22वें नंबर के हैं। और पांच नंबर पे हम देख लेंगे, पांच नंबर पे हम देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो कि 23 नंबर के हैं, पार्श्वनाथ जो कि आपके 23 नंबर के हैं और 24वें नंबर के हैं, अभी मैंने बताया था महावीर, उनको भी पढ़ लेंगे महावीर। ये किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। तो हमें पढ़ना किन किन को है? ऋषभ देव को पढ़ना है, कुंठुनाथ को पढ़ना है 17 नंबर पे, और आपके मल्लिकानाथ पढ़ना है जो कि 19 नंबर पे आएंगे। इसके बाद आपको अरिष्ठनेमी पढ़ना है जो कि 22 नंबर पे आएंगे, फिर पार्श्वनाथ को पढ़ना है जो कि 23 नंबर पे आएंगे, और इसके बाद आपके आएंगे महावीर जो कि 24 नंबर पे होंगे। इसके बाद देख लेते हैं इसमें से जो आपके ऋषभ देव हैं, जो आपके ऋषभ देव हैं और अरिष्ठनेमी हैं, ऋषभ देव और अरिष्ठनेमी, यानी कि जो ऋषभ देव पहले और अरिष्ठनेमी जो 22 नंबर के हैं, इनका नाम ऋग्वेद और पुराणों में भी मिलता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋषभ देव और अरिष्ठनेमी
के नाम ऋग्वेद और पुराणों में भी मिलते हैं, में भी मिलते हैं। तो ये अगला याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से आपके तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद और पुराणों में भी मिलता है, तो जो पहले हुए हैं ऋषभदेव और जो आपके अरष्टनेमी हुए हैं 22 नंबर पे, इनका नाम पुराणों और ऋग्वेद में मिलता है। और पुराणों के अनुसार जो अरष्टनेमी हैं, ये कृष्ण के भाई बलराम के रूप में है। किसके? कृष्ण के भाई बलराम के रूप में है जो ये अरष्टनेमी हैं, ये पुराणों के अनुसार कृष्ण के भाई बलराम के रूप में हैं। कृष्ण के भाई बलराम के रूप में है पुराणों के अनुसार कौन? अरष्टनेमी, जो कि 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और आता है कि वो कौन से तीर्थंकर थे जिनका शरीर विकृत के रूप में था, तो उनका नाम है आपका कुंठुनाथ। क्या नाम है? कुंठुनाथ, यानी कि विकृत के रूप में शरीर था। विकृत के रूप में मतलब ये हो गया कि उनका शरीर जैसे नॉर्मल व्यक्तियों का होता है, सभी सामान्य जनों का होता है, वैसा नहीं है, कहीं पैर वैसे मुड़ा हुआ है। तो इस रूप में, यानी कि जो विकृत के रूप में था, वो थे कुंठुनाथ। ये क्वेश्चन आता है आपका कि विकृत के रूप में किस तीर्थंकर का शरीर पाया गया था, यानी था आप कह सकते हैं, तो वो थे कुंठुनाथ का। किसका था? कुंठुनाथ का था। तो सबसे पहले जो आपके दिए गए हैं ऋषभदेव, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जितना मैंने लिखा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऋषभदेव के बारे में देख लेते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आदिनाथ किसको कहते हैं, तो ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहते हैं। और एक पॉइंट यहां से आता है कि 5 तीर्थंकरों का जो जन्म हुआ है वो अयोध्या में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यूपी के अयोध्या में हुआ है। 5 तीर्थंकरों का जन्म यूपी के अयोध्या में हुआ है। क्वेश्चन आता है कि कितने तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है, तो 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। उनमें से एक हैं आपके ऋषभदेव। और इनका जो प्रतीक है, हम सबके प्रतीक भी पढ़ेंगे, तो वृषभ है। क्या है? वृषभ, यानी कि बैल। जो इनका प्रतीक है, ऋषभदेव के जन्म का जो प्रतीक है, वो ऋषभ या बैल है। और इनकी जो मृत्यु हुई है ऋषभदेव की, वो कैलाश पर्वत तिब्बत पे हुई है। किस विधि से हुई है? तो संलेखना विधि से हुई है। संलेखना में होता क्या है कि इसमें
जो जैन लोग होते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी क्या जो मृत्यु होती है, तो उस विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलेखना विधि कहा जाता है, जिसका संबंध जैन धर्म से ही है। क्वेश्चन ऐसे आता है, संलेखना विधि का संबंध किस धर्म से है, तो वो जैन धर्म से है। और इसके आगे हम बता देते हैं यहाँ पे आपका, इसी तरह से जैसे मिहिर है, मिहिर है तो ये मुस्लिम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मुस्लिम से संबंधित है मिहिर। मिहिर जो है ये मुस्लिम से संबंधित है। ये भी क्या है, एक ये जो संलेखना है इसमें क्या होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद जो उनकी मृत्यु होती है उस विधि को संलेखना विधि कहा जाता है। इसी तरह से ये मृत्यु है के नाम है आपके, संलेखना विधि हो गया, मिहिर विधि हो गई मुस्लिम में आपके। और हिंदुओं में क्या होता था, सती प्रथा होता था। हिंदुओं में क्या है? सती प्रथा। ये आपका हिंदू हो गया, हिंदू में क्या हो गया आपका, सती प्रथा हो गया। और जो जौहर होता था, जौहर ये राजपूत में होता था। किसमें होता था? राजपूत, राजपूत में होता था आपका ये जौहर। तो ये हो गया मृत्यु आपके। चलिए ठीक है, यहीं पर हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम अगले लेक्चर में, और वहां से फिर से देखेंगे हम ऋषभ देव को और पूरा कंप्लीट करेंगे हम उसमें जैन धर्म को पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।